अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
संत सुन सरे संतो निहाल सरे भद्रान पश्यंतु माता चीज भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। लेकिन इस मन ने अपनी मूर्खता के कारण इसको कुछ और का और समझ लिया, वो कुछ समझा जाए कुछ इसी को तो अज्ञानता कहते हैं। यथार्थ रूप में पता न हो कि ये क्या है। कभी कभी अंधेरे में बचपन में या लड़कपन में या बालिक अवस्था में आना जाना पड़ा हो तो दूर से मन डरता है, वो कौन खड़ा, ओ नो पता नहीं कुछ चोर है ये, तो हाथ पैर कांपने लग गए, हम आगे नहीं गए खड़े रहे। जब कोई और व्यक्ति गुजरा, भाई मुझे भी ले चलो, क्यों वो चोर खड़ा है, चोर थोड़ा ही है, ये तो किसने वृक्ष काट दिया आधा आधा रह गया। अच्छा कटा हुआ वृक्ष है, मैं तो बड़ी देर से कांप रहा था, इसी तरह था क्या कटा हुआ वृक्ष, क्या दूर से समझा अंधेरे में कोई चोर खड़ा है मुझे लूटने के लिए। इसलिए संसार के प्राणी पदार्थ थे क्या, अनित्यम असुखम, अनित्य थे रहने वाले नहीं थे। समझा क्या गया, सुख का घर आराम का घर, हमेशा मेरा साथ देने वाले, हमेशा मेरी मदद करने वाले, इसे बोलते हैं अज्ञानता। इसे कहती है मेरी देवियों जहालत, और भगवान भी हमारी दुर्दशा देख करके चुटकी भर रहे हैं। यूं फरमाते हुए जहालत है उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई हुई, तो इन चक्कर से खुद ही तो छुड़ा रहे मेरे प्रभु, खुद ही तो अपनी चूठी की वाणी दे रही है। तो वाणी को इस तरीके से सुनो जिससे जो खुद ही हम उलझी है अपने आप को छुड़ा ले। जो संसार की यथार्थता को जान गया और मान गया वो अपना दामन इससे बचा लेगा, वो नहीं उलझेगा इसमें। फिर वो जब शरीर छोड़ेगा हमेशा के लिए छोड़ देगा, क्यों, कहीं भी तो उसका मन वासना करके उलझा हुआ नहीं, कामना करके उलझा, क्योंकि संसार को भली प्रकार देख लिया, जान लिया, आजमा लिया। अब तो भली प्रकार जानती है, पीसे हुए को नहीं पीसता, पीसे हुए आटे को कौन जाता है भाई आटा पीसते, भले और मूर्खों लिख रखा है आटे पीसने की चक्की, वो तो मूर्ख है ना, कभी आटा पीसने की चक्की भी होती है अनाज पीसने की चक्की, प्रकल तो लाम सुबह चल पड़ा है, हर एक पर लिखा होगा आटा पीसने की चक्की। कभी मजाक करना, कभी आटा लाए पीस के दिखा, क्यों आपने क्या लिखा है आटा पीसने की चक्की, पर आटा थोड़ा पीस जाता है अनाज। इससे जब वासना खत्म हो जाती है हमें अनुभव हो जाता है, बस जीव का मन टिक जाएगा। अगर ये अवस्था बन रही है तो भगवान जी एक बात बताते हैं, अगर संसार से मन आपका उब गया है तो सारी गीता जी के अंदर भगवान ने केवल एक बार इसकी कसौटी दी है ताकि हम अपने आप को देख लें, क्या न हो उसको फिक्र चुनाव चुनी, संसार संबंधी संकल्प विकल्प अब नहीं उठेंगे, एकाग्र है ना, ध्यान दीजिए 18वां अध्याय का, जो जीव को मुक्ति प्रदान करता है संसार के झमेलों से, संसार की अड़चनों से, संसार की जटिल समस्याओं से, वो चोटी का फरमान है अपने प्रभु का। भगवान करे मैं पूरा समझा सकूं और प्रभु आप पर भी कृपा करे कि आप पूरा समझ सके, फिर हम दोनों पर कृपा हो जाए, जो हमने समझा उसे जीवन में उतारे, जीवन में ढाले। क्योंकि भगवान की वाणी तो ब्रह्म विद्या है, उच्च कोटि की शिक्षा है, शिक्षा को बुद्धि द्वारा माना जाता है, मन में रखा जाता है और कर्मों द्वारा दिखाया जाता है, ये तीनों ही काम आती है, बुद्धि से मानो हाँ, मन में रखो हाँ, और कर्मों द्वारा रोज दिखा दो कि वाकई हम भगवान जी के अनुसार जी रहे हैं। जो भगवान जी के अनुसार जिएगा बता दूं वो निर्मोही हो जाएगा, अपने धर्म तो करेगा अपने कर्म भी करेगा लेकिन अपने मन को उलझाएगा नहीं। निर्मोही कौन, जो अपने आप को उलझा नहीं रहा, क्या मतलब, जो किसी के प्रति कोई वासना कामना नहीं रखता, उम्मीदें नहीं रखता,
किसी से उम्मीद न रखने का नाम ही निर्मोही है। कोई और अर्थ न लगाना, कुछ और ना समझ लेना मेरी मैया मेरी अच्छी बेटी। निर्मोही का मतलब जो संसार को सही रूप में समझ गया और अपनी ओर से किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, केवल एक भगवान पर पूरा भरोसा रखता। ऐसे निर्मोही के लिए भगवान ने कहा है सहारा किसी का न ले एक पल, उसको हम कहेंगे निर्मोही। वन वर्ल्ड, सहारा किसी का न ले एक पल, निर्मोही। उसने अपने मालिक पर पूरा भरोसा ले लिया, भगवान यही चाहते हैं। हमें शुरू में बताया नहीं गया कि इस विचित्र विलक्षण संसार में आकर केवल भगवान के भरोसे रहना चाहिए। केवल क्यों? क्योंकि ये टिकने वाले तो है ही नहीं, ये माँ बाप बहन भाई पति पत्नी जो भी हमने अपने माने गए, ये तो ऐसे नजर आने चाहिए जैसे रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े हुए यात्री हाथ में अटैची लिए हुए उनकी गाड़ी आई और चल देंगे। हाँ, उनको ऐसा समझ लो जैसे रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े हैं मुसाफर और गए, दे आर ऑल बाउंड फॉर हियर और देयर, उन्हें टिकना थोड़े ही, वो चले जाएंगे। ऐसा समझ लो मेरे सज्जनों, अब व्यवहार करो, अब हम निर्मोही बन जाएंगे, भगवान पर ही भरोसा। ऐसे जीवों के लिए भगवान कह रहे हैं क्या वो मुक्त हो जाती है, जो कहीं भी अड़े हुए नहीं, कहीं भी उलझे हुए नहीं है। इतने कड़े तजर्बे हो जाते हैं आप जैसे उनको, मेरे चाहे नारी चोला है आपका लेकर कड़े तजर्बे, शाबाश शाबाश शाबाश। कभी कहता है अब मैं उलझूंगा क्या, क्या क्या सुंदर प्रकट करता है, मैं वो फूल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया, मैं एक ऐसे फूल की तरह हूं जिसे कई बार हाँ पतझड़ ने आकर बर्बाद कर दिया। मैं वो फूल हूं खिजा, कितने बड़े पतझड़, कई बार मैंने खेड़ा और खिजा ने आकर के मेरी एक एक पत्ती के टुकड़े कर डाले, मुझे बिखेर दिया। मैं वो फूल हूं, गौर करना, खिजा ने जिसे बर्बाद किया। अब किसी दामन से उलझू मैं वो खार नहीं, अब मैं ऐसा कांटा नहीं हूं जो किसी से उलझ जाऊं। अब मुझे तजर्बा हो गया दामन बेटे, जैसे आपका कपड़े का दामन होता है, कोई उसको कोना छोर, अपनी भाषा में कहेंगे छोर। अब ये छोर किससे उलझे नहीं, जब भी आप चलेंगे जब कांटे को नजर आएंगे आप अपनी चुनरिया को ऊपर उड़ लेंगे कि ना कहीं अड़ न जाए। अब मन बुद्धि को जरा ऊंचा उठा कर रखेंगे, ना ना कोई कामना वासना करके अड़ ना जाए। हमें कोई भी रूप अड़ाता नहीं है, हम खुद उलझती है कामना करके। आपके हाथ में इश्तियार है, बहुत बड़ा इश्तियार है, दीवार पे लगा दो। बाबा तुम बड़े बोले हो, क्यों क्या बात, दीवार पे लगा दो, इतना बड़ा इश्तियार तो दीवार पे लगाने योग्य है, ठीक है, लेकिन दीवार पे ऐसा थोड़ा लगेगा, इसके पीछे कोई गोद लगानी पड़ेगी, कोई लेवी लगानी पड़ेगी, कोई चिकनी चीज लगा के फिर वाड़ेगा। इस तरह कोई भी रूप हमें नहीं फंसाता, हमें अपने मन के साथ सुख की लेवी लगानी पड़ती है। ये सुख देगा, ये मुझे आराम देगा, ये मुझे बड़ी अच्छी लगेगी, ये बड़े बड़े, तब ये अपनी ओर से हमने लेवी लगाई तब हम अड़ जाएंगे। अगर आप अपना दामन ऊंचा कर ले तो झाड़ी के साथ अड़ेंगे नहीं। अगर आप मन बुद्धि आपकी समझ ले अनित्यम असुखम, आप अपनी ओर से लेवी नहीं लगाएंगे और कहीं उलझेंगे नहीं। इश्तिहार ऐसे नहीं लगता दीवार पर कि आज साथ में आया और हमने इश्तिहार लगा दिया, ऐसे थोड़ा लगेगा, दीवार भी खुश्क और कागज भी खुश्क, अपनी ओर से कोई चीज लगानी पड़ेगी तब वो इश्तिहार दीवार पे चिपक जाएगा, कोई शक नहीं। जब भगवान का ज्ञान मिल जाता है अब नहीं मन फंसता, भगवती अब नहीं, अब हम रहेंगे सुलझे हुए ना के उलझे, यही कृष्ण चाहते। जो सुलझा हुआ जहाज में रह रहा है वो शरीर छोड़ेगा तो हमेशा के लिए जाएगा। अब नंबर नोट, जो उलझे हुए हैं उलझे हुए मरती हैं, उलझे हुए गए उलझे हुए मरती हैं, फिर उन्हीं के लिए रब ने कहा जन्म अहले किरदार में आके ले, फिर वो ऐसे घरानों में जन्म लेंगे जहां धंधे ही धंधे, मोह ही मोह, लेना ही लेना, राग ही राग और द्वेष ही द्वेष, ऐसे वातावरण में उत्पन्न हो जाती है। सोचा करो, आपकी अच्छी किस्मत जो आप है कि हिंदू श्रद्धालु घराने में पैदा हुए हैं, अहो भाग्य आपके मां बाप श्रद्धालु, आपके पतिदेव श्रद्धालु, फिर आगे आप को ऐसा वातावरण मिला है जहां भगवान के प्यारे रहती हैं, लाभ उठा लो, तभी तो भगवान ने आपको यह मौका दिया है। इसको मौका न जानो, स्वर्ण अवसर है ये, है वाकई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम इसका लाभ उठाते चले। और मुक्ति को मुश्किल ना कहा करो, मुश्किल होगी रजोगुनी के लिए, मुश्किल होगी तमोगुनी के लिए, मुश्किल होगी संसारियों के लिए, मुश्किल होगी जिनमें वास्तव कामना इच्छाएं लेना देना है, आपके लिए नहीं, चुका आप में सतोगुण की बढ़ोतरी है। महंगाई उनके लिए होती है जिनके घर में पहले रुपए की कमी है, जिनको भगवान बहुत दे रहे हैं उनके लिए क्या महंगाई, उनके लिए कोई महंगाई नहीं। हमारी दादी अम्मा एक कहानी सुनाया करती थी, अरे बेटी और मेरे सजनों, एक बड़ी मीठी कहानी और शिक्षा से भरी हुई। दादी अम्मा के पास हम रात को रोटी खा के जाते,
दादी से कुछ न कुछ सुनते, दादी भी तैयार बैठी होती, अपनी जान पे बिठा लेती और बालों पे हाथ रखती रखती प्यार करती करती कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन उन्हें सुनाया, सुनिए तो आज के प्रसंग के अनुसार मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, मुझे याद भी आ रही है वो कहानी। क्या कहने लगी, काका हाँ माँ, दादी अम्मा क्या हुआ, एक दिन ना गली के अंदर कोई ऊंट लेके आया। दादी ऊंट लेके आया? हाँ। और कहने लगा, एक पैसे का ऊंट ले लो, एक पैसे। दादी झूठ बोलती है, एक पैसे का इतना भारी भरकम ऊंट? सुन तो पुत्र, मैं सुनना है तो तू काटा रखा। अच्छा मैं नहीं काटता, तू बोली जा, तू हाँ कीजिए, जो मैं कहूँ तो हाँ कर। मजा भी तब आता है जो माँ कहे हाँ, अगर काटोगे मजा सारा किरकिरा हो जाएगा। अच्छा अम्मा फिर क्या हुआ? फिर ना वो कह लेगा, एक पैसे का ऊंट, एक पैसे का ऊंट। तो एक लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ एक पैसे को। पुत्र बड़ा महंगा, कानों को हाथ लगा के कहने लगी बेटे, बड़ा महंगा, हम तो नहीं लेते। अच्छा माँ बड़ा महंगा है? तो आवाज देता हुआ चला गया। कई दिनों के बाद फिर दादी में क्या हुआ, वही भाई कोई और ऊंट लेके आया, कह लगा 100 रुपए का ऊंट, 100 रुपए का ऊंट। तो दादी अम्मा फिर लड़के ने कहा, दादी हाँ हाँ के ले लो माँ, हाँ ले लो, बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है, तेरी भी हमें समझ ना आवे, एक पैसे का बिकता था कुछ नहीं पहले तो कुछ बड़ा महंगा है, और अब 100 रुपए का। पुत्र तब घर में रोटी खाने को नहीं थी, अब भगवान ने हमें बहुत दे रखा है, 100 रुपए का भी सस्ता। हायो मेरे बर्रास की बात, उस सच्चाई की बात मेरी देवी, घर में कुछ ना हो तो एक पैसा भी बड़ा महंगा है, और घर में खुला रब दे तो 100 रुपया भी कुछ नहीं। महंगाई और सस्ताई की परिभाषा क्या है? आप क्या कहोगे, बड़ी महंगाई हो गई? अगर घर में तंगी है सैनी जी, तब तो आप कहोगे, ए नंदलाल ए मेरे बाकी भाइयों, अगर घर में भगवान ने खुला दे रखा है कोई बात नहीं, क्या हो गया, वो बनता ही रहेगा, ये तो काम चलता ही रहेगा। घर में तंगी है तो महंगाई प्रतीत होती है, अगर मेरे भगवान की और मेरी लक्ष्मी मैया की कृपा घर में, कोई नहीं मौत, क्या हो गया, वो ये तो चलता ही रहेगा। भगवान आपको कभी भी तंगी ना दे, मैं आपका बड़ा हितैषी हूं, आपको पता है, आप जानते हैं मैं आपको बहुत हितैषी हूं, किसी प्रकार की तंगी ना आए। वो दिन आने से पहले भगवान हमें इस धरती से उठा ले जबकि हमें किसी के आगे यो हाथ फैलाना पड़े। परमात्मा करे आपका हाथ सदा ऊपर रहे, ले पुत्र ले मेरी बेटी ले मेरी मैया ले, यूं ऊपर देते रहो, कभी मांगने का मौका ना आए। वो दिन हमें यहां से भगवान उठा लेना चाहिए। और आप सब सियाने बनना, वक्त कल युग दिन बदन आता जा रहा है, सारे पुत्रों के नाम ना लगा देना, गुगुना बनना, कुछ देना और बाकी सब अपने पास, भले ही कोई लिख लेना, लिखवा देना वसीयत नामा कि मेरे मरने के बाद ये हो, लेकिन सब कोई दे बैठोगे अगर कदर ही नहीं करनी। बाप की कदर नहीं होती, कदर धन की होती है, अपने स्वार्थ के पूरा होने की होती है। इतना मोह ना करना है बापो, ए बाप जी इतना नहीं, ए दादी अम्मा ए मैया सब कुछ ना दे देना, कुछ अपने बढ़ापे के लिए भी रखना। वक्त ऐसा काला आ गया है, हमारा वक्त तो कुछ और था, आजकल वक्त कुछ और है, अपने पास रखो। भले ही लड़के को इधर आ अपने पासबुक में रख लो कि मेरे मरने के बाद ये हकदार होगा। वक्त बहुत अजीब है, बड़ा अजीब जा रहा, बहुत अजीब जा रहा है, आइएगा। तो मैंने क्या कहा, अपने घर में बहुत कुछ हो तो फिर तो महंगाई भी महंगाई नहीं, घर में कुछ ना हो तो एक पैसा भी बड़ा महंगा होता है। इसी तरह जरा देखिए, अपनी वासना खत्म हो हाँ तो फिर मौज ही मौज है, और अपनी वासना ही हो तो फिर जीव के लिए महंगाई, मरेगा फिर वो आएगा, फिर वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ेगा। लेकिन ये कौन होगा कमबख्त जिसको भगवान पे भरोसा नहीं, और जिसे पूरा भगवान पर भरोसा हो गया बस वो नहीं चक्कर में आएगा। एक दिन गुरुदेव कह रही थी, कोई बैठा रोटी खा रहा था और बिल्कुल तैयार था, 2 ग्रास ले भी लिए, इतने में बाद से किसी ने जोर खड़काया, ना खाना ना खाना ना खाना, ना खाओ गोपाल ना खाना, खोलो दरवाजा, फकेगा गगा गोपाल ना खाना। मनोरी था उसको अच्छा दोस्त, क्या इसमें जहर है? सब घरों ने चीखे मारी, इसमें जहर है, हलाल है, तुझे मारने की स्कीमें बनी हुई है। अच्छा उसने अपने मुंह में उंगलियां दे दे के जो खाया था वो भी उल्टी कर दिया, पूरा विश्वास अपने दोस्त पर। तो कहते स्वामी जी कहती थी, क्या एक मामूली दोस्त पर इतना विश्वास, तो क्या भगवान की जात पर विश्वास नहीं कि नाम रूपों में ध्यान ना लगाना ना लगाना ना लगाना, क्यों दुखदाई है, जाने वाले गए, हमारे लिए भय से शर्म होगा। मैंने अपने मुंह पर कई लांते मारी महाराज जी की ये बात सुनकर के, हैं एक दोस्त पे विश्वास सकता है तो अपने परम पिता जो अपनी जबान से कह रहे हैं मैं सारे जहां का हूं, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा, क्या उन पे हमें यकीन नहीं होगा?
कभी नहीं हो सकता। एक अगर आपको सखी आ जाए और कह देती है ऐसे, अच्छा हम ऐसे मानते जैसे धर्मराज की पुत्री बोल रही हो, हम अपने रिश्तेदारों दोस्तों की बातें मानते हैं जैसे बिल्कुल धर्मराज का सगा पुत्र बोल रहा हो, पूर्ण विश्वास भगवान पर भी कर लो। हम और आप जो अपना कल्याण करके रहना चाहते और कल्याण करके इस जहान को सदा सदा के लिए छोड़ना चाहते, पूरा विश्वास जो मेरे प्रभु कह रही है तब मेरा और आपका कल्याण है। जब इतनी चला बने बड़े रोने वाली बात है, दोस्त पर विश्वास करके रोटी छोड़ दी जाती है, जो खाया गया उसके उल्टी करके निकाल दिया, पाठी पढ़ने के लिए पढ़ी जा रही है, लोग भी सुनने के लिए सुनी जा रही है, सब कोई ग्रंथों में ना कोई विचारता है ना कोई अपनाता है, मजाक बन गया, अनादर भगवान का, भगवान की वाणी का और भगवान के पावन स्थान का भी अनादर। आदर तो तब मैंने जब उनके अनुसार जीवन बनाया जाए। पिताजी घर में कहे बेटे आओ मेरे पास, पिताजी मैं आपकी पूरी कदर करता हूँ, पिता काका आ जा मेरे पास, पिताजी मैं आपकी प्रणाम करता हूँ, नलायक कहीं का मैं दो तीन बार कह रहा हूँ मेरे पास, अब मेरे पास तो आता नहीं और वही कह रहा मैं बड़ा प्रणाम करता हूँ, मैं आपका आगे करी मिट्टी आगे करिए, तो हम भगवान का बड़ा आदर करते हैं। भगवान कहेंगे नलायक जो मैं कहता हूँ वो तो अपनाता ही नहीं, वैसे जय जयकार मारना, भगवान के लिए व्रत रखने, भगवान के जयकारे मारने, ये तो मेरा कोई मतलब न हुआ ना। भगवान का आदर तो तब है, रिस्पेक्ट मीन्स टू उबे, हम उनके अनुसार अपना जीवन बनाए। यही धर्माचार्यों ने मुझे समझाया, यही मेरे गुरुदेव ने मेरे मन के अंदर ये बात बिठा डाली कि अगर किसी का आदर करना चाहते हो तो उसके आज्ञा के अनुसार जीवन बनाओ या उसकी आज्ञा मानो। हाँ अगर हम सतमी भगवान जी की कदर करते हैं तो उनकी आज्ञा को मान ले, अपने जीवन में ढाल लें, अनित्यम आसुखम, ये सब अनित्य है दुखदाई, और अगर क्या कहते हैं जिंदगी अपनी मेरे भजन में काट तो कर सच्चे दिल से। ऐसा इस स्थान को पावन बनाए रखना मेरी देवी, अपने इस स्थान को पावन पवित्र स्थान कब, जब इसके अनुसार अपने जीवन को पवित्र बना लिया जाए, जब इसके अनुसार अपने जीवन को शानदार बना लिया जाए, शाबाश, तब ये स्थान और गीता आपके लिए मुबारक है। कब अपने आप को पावन बना ले, पवित्र बना ले, इतनी श्रद्धा करें कि जो मेरे भगवान कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, अर्जुन जैसा मेरा और आपका अंतकरण बन जाए, भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वह मुगमा, कृष्णा आपके अतिरिक्त और कौन होगा जो मेरी बिगड़ी बना, नहीं कोई और नहीं कोई और, मुझे सिवाय आपके और कोई दिखाई नहीं देता, आप ही तो मेरी बिगड़ी बनाने वाले हो, आप ही तो मेरे उलझे हुए जीवन रूपी सूत को सुलझाने वाले हो, मत बन गई मेरी भगवती, ऐसी अटूट विश्वास फिर जीव मुक्त हो जाते हैं। सो देखिए पूरा विश्वास जो मेरे परमात्मा कह रहे हैं ये ठीक है, इसमें मेरा कल्याण है और मैंने अपना जीवन ऐसा बनाना है, बड़ी जल्दी आपकी कसम आप अपना कल्याण कर लेंगे। भगवान जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें मेरा कल्याण है, मैंने ऐसा ही जीवन बनाना है, धर्मराज बड़ा खुश हो जाते हैं, भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ही प्रसन्न, वो प्रसन्नता पूर्वक फिर वो आपको उपदेश देते हैं। ऋषिकेश कुछ मुस्कराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने, ये ज्ञान के मोती आपको बख्शती, पर मकान बढ़िया कार बढ़िया नौकर और नौकरानियां और पत्नियां अच्छी सब मिल जाएगा, लेकिन इतना कुछ हो जाने से क्या मन शांत होगा। भले यार एयर कंडीशन सब चीजें बना ले, लेकिन सुपर दी इंटरनल माइंड इज कंसर्न, क्या पीस ऑफ माइंड में जाकर कदापि नहीं, पीस ऑफ माइंड कुछ और है, बाहर का वैभव और बाहर का ऐश्वर्य बिल्कुल कुछ और है, इसका मन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मन के साथ कोई वास्ता नहीं। शाबाश, यही जरा समझिए, अगर मैं लाखों पति हो भी गया तो शरीर के सुख हो जाएगा, लेकिन भगवान ने तो शरीर और मन एक दो बनाए गए, जैसे आपने अंदर बुनैन पहन रखी है, बुनैन कुछ और है, ऊपर की कमीज कुछ और है, बुनैन तो बारीक धागे से सूक्ष्म धागे से बनाई गई है, ये एक मोटे धागे से सूत बनाया गया है। हाँ, माँ ने नहीं टिका, बाप ने टिका, बहन भाई पति पत्नी में नहीं टिका, बच्चों में इज्जत मान बढ़ाई विधवा में नहीं टिका, इतना कुछ जमाया गया तो मां टिकता कहाँ है, क्या जवाब देखो, क्या लाजवाब जवाब का लाजवाब, भगवान से ये पूछा गया, ऋषियों से पूछा गया, फिर मन वाकई में नहीं टिका, अगर माँ में टिक जाता तो पिताजी को ना चाहती, अगर पिता माँ में टिक जाता तो बहन भाइयों को ना चाहती, अजमा रहा है मन जगह जगह, अगर बहन भाइयों में टिक जाता भगवान की कसम आप कभी शादी करने का नाम ना लेते, इनमें नहीं टिका, फिर चलो मैं शादी करा के अजमा लू, मन तो मुद्दत से अजमा रहा है, शादी भी कर ली, तो अगर शादी में टिक जाता है मनोरी और मनोरमा, अगर तुम्हारा आपस में दोनों बैठे कभी आप बच्चे का मुंह देखने की चेष्टा ना करते है, तो बच्चे में टिक जाता था दूसरा बच्चा ना बनाती तू, आप दूसरे बच्चे का बाप ना बनते, ये फिर क्या मजाक क्या है, और आगे और आगे और आगे मन नहीं टिकेगा, बेशक अजमाई चलो और आप उनका लाजवाब जवाब क्या है, मन पर कहां टिकेगा, मन वहां टिकेगा जो खुद टिका हुआ हो, टिके हुए में मन
टिकेगा? ओए, संसार की सब चीजें तो टिकी हुई नहीं है, ये तो चेंजेबल है, ये तो चक्कर और गर्दश में है मेरे सजनों, मेरी देवियों। जिस पर भी आप मन लगाएंगे, जो चीज खुद गर्दश में होगी, वो भी आप भी अगर मन हमने ऊपर रखा। देखिए मेरे पास एक रुमाल है, इस पर मैं ये रुमाल तो गर्दश में यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है। हाँ, मैंने इसको मन रखा तो मन भी चक्कर काटेगा जरूर। अगर ये माइक है, ये टिका हुआ, इस पर कोई चीज भी रखेंगे हम, तो ये जैसे रखेंगे वैसे पड़े रहेगा, क्योंकि ये खुद टिका हुआ है। इस दुनिया के अंदर केवल भगवान की जात टिकी हुई है, बाकी सब भटके हुए हैं, सब जा रही है, सब जिधर भी नजर मारो। माँ गर्दश में है, पिताजी गर्दश में है, बहन भाई गर्दश में है, पति पत्नी गर्दश में है, वासना है, कामना है, लेना है, देना है, आना है, जाना है, मरण का अप डाउन होता रहता है। ओए, संसार में कोई चीज भी स्टेशनरी स्टेबलाइज नहीं है, एक्सेप्ट ऑलमाइटी। इसलिए बहुत खुश नसीब है वो चीज जिनको ये बात समझ आ गई और अपना मन पूर्ण रूप से अपने भगवान में जोड़ दिया। और भगवान में जोड़ने का तरीका श्रद्धा, और श्रद्धा को अपनाने का तरीका भगवान की अमर एवं कल्याणकारिणी वाणी। वाणी द्वारा ही मुक्ति किसको मिलती है? जो टाइम टू टाइम सत्संग में आकर गुड़ाई करता रहता है। किसकी ये गंदी वृत्तियां? ये सब ऑल अनवांटेड, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये मत्सर, ये राग और द्वेष, ये जो राग और द्वेष के पद भेड़े है, इनको निकालना पड़ता है, इनको फेंकना पड़ता है, फिर मन और बुद्धि की फसल विकसित हो जाती है, खूब निकलती है। ऐसी व्यक्ति के लक्षण बताए गएंगे क्या? कल हमने सुना था वो बड़ा उद्योगी होता है, उद्योगी मैंने मेहनती, उद्योगी मैंने हार्ड वर्कर, उद्योगी मैंने परिश्रमी, वो बड़ा परिश्रम करता है, घर वाले उसे पसंद करते हैं, गरीब वाले उसे पसंद करते हैं, अनेकों के लिए लाभकारी होता है, उद्योगी, उद्योग से बना उद्योगी, हार्ड वर्कर, वो अपनी हड्डियां तोड़वाता है, लगा देता है अपने आप को अनेकों की सेवा में। कहा जो उद्योगी बनेगा, मैंने कल कहा, तो कितने अवगुण निकल जाएंगे? वो सुस्ती थी वो गई, प्रमाद है वो गया, ज्यादा नींद वो गई, गप्पे शप्पे वो गई, हाँ ताश टूटना वो गया, व्यर्थ का घूमना फिरना वो गया। कितना समय बच जाता है उद्योगी का, हार्ड वर्कर का, वो अपने आप को भले कामों में लगाता रहता है, चारों ओर से अपनी बुराइयों को निकाल लेता है, सिनेमा में वो कभी नहीं जाएगा, टीवी के सामने वो कभी नहीं बैठेगा, वो अपना समय कहीं और लगा देगा, जिससे कि अनेकों को लाभ पहुंच चुका। भगवान ने बताया है सबकी भलाई में कहां रहे। अच्छा जी, उसमें तो दूसरा गुण क्या आ जाता है? सहयोगी। उद्योगी कौन? उद्योगी हो गया फिर सहयोगी। सहयोगी का मतलब कोऑपरेटिव, क्या? हाथ बटाने वाला। सहयोगी का मतलब दूसरे को हाथ बटाने वाला, दूसरे को सहयोग देने वाला, कोऑपरेशन देने वाला। हाँ, वो अपने पिताजी को भी कोऑपरेटिव बनेगा, पिताजी का हाथ बटाएगा, माँ का हाथ बटाएगा, अपने बहन भाइयों का हाथ बटाएगा, वो गली मोहल्ले वाले को देखते रहेगा, किसको मेरी जरूरत है, जहां भी कोई जरूरत होती है अपने आप खपा देता है, अपने नगर में अपने आप को लगाने की पूरी चेष्टा करेगा, हर बेस्ट मैं लगा दू इधर उधर। वो क्या होता है? सहयोगी होता है, दूसरों के काम में हाथ बटाता है, दूसरों से दुआएं लेता है। सहयोगी पर भगवान बड़े खुश होते हैं, उद्योगी पर तो होती है, पर सहयोगी तो बड़े कमाल का है, अनेकों के काम आ रहा है, अनेकों के काम आ रही है, जहां तक उससे भर पड़ता है यहाँ पे आप जुटाई जा रही है। आप देखिए, आप सहयोगी है, उद्योगी है, आप देखिए, आप मेहनती है कि नहीं, आप जुटने वाले लगने वाले हैं या नहीं, देखिए, लग जाइए। बाद में 50 साल के बाद शरीर में कई कमजोरियां जाती है, सहयोगी नहीं बना जाता, शरीर का बल दिन बदन और भी हरास हो जाता है, मतलब डिकेइंग। पहले ही 50 से पहले बड़ी इतना आप सोच सकता है, सहयोग करा कर भगवान को प्रसन्न कर लो, सहयोगी बनिए। बाद में कुछ नहीं होता, शरीर का एक एक अंग निर्बल होने लग जाता है। साले कहते हैं दोपहर से पहले पहले मोटे मोटे कपड़े धो के सुखा लो, दोपहर के बाद तो श्वाए में इतनी तपश नहीं रहती, पहले पहले कर लो। इस तरह जब तक जोबन है, 40-45 साल की उम्र है, जो कुछ करना है कर लो, जुट लो, बाद में इतना कुछ होता नहीं। कभी कोई अंग जवाब दे रहा है, कभी कोई अंग जवाब देगा, कभी कोई अंग जवाब देगा। अभी सहयोगी बन के भगवान को प्रसन्न कर लीजिएगा। अच्छा, जो सहयोगी कोऑपरेटिव है। और तीसरा गुण क्या है? मैंने कहा उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी। उपयोगी मैंने यूजफुल, जो दूसरों के लिए बड़ा यूजफुल है। उपयोगी मैंने बेटी फ्रूटफुल। अच्छा, जो बड़ा लाभकारी, लाभकारी, जी हाँ,
तो आप देखिए, आप घर में रहती आप लाभकारी हैं, जो कहीं भी रहता है और अनेकों के लिए लाभकारी नहीं है उसको मेरे भगवान ने क्या कहा, हयात उसकी दुनिया में, उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार। मेरे से पूछो मनु महाराज जी ने क्या कहा है, मनु महाराज जी कहते हैं वो बकरी में गले के थन की तरह व्यर्थ जी रहा है, बकरी में के गले में थन बकरी के हवाले में थानो तो दूध आएगा, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-2.5 किलो तो दूध निकलेगा ही, अगर हवाले में हो तो। बकरी के गले में भी थान होता है। हाँ देवी, बेचारी बोई से मरती है, वाह वाह करती रहती है, बिल्कुल थान की तरह लटका होता है गले में, वो नीचे नीचे बोझ हुआ, एक पनिशमेंट होगी, पेनल्टी होगी, पेनल्टी फ्रॉम नेचर। इससे वो इंसान धरती पर बोझ है, कौन जो दूसरों के लिए लाभकारी नहीं है, न खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, लानत है ऐसे इंसान को जो धरती भगवत पर बोझ बने हुए है। केवल क्या बकवास करती है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी बी सॉरी। अगर तुम अपने पेट पे हाथ फेंकते रहोगे और अनेकों को लाभ नहीं पहुंचाओगे, प्रकृति रगड़ के रख देगी। प्रकृति उन्हीं का साथ देती है जो अनेकों का साथ दे रही है, प्रकृति उन्हीं का साथ देती है जो अनेकों का साथ दे रहे हैं। याद रखना, अगर आप अनेकों के लिए लाभकारी है, प्रकृति आपके लिए लाभकारी हो जाएगी, प्रकृति आपकी बड़ी मदद करेगी। तो जिसमें ये 3 गुण है वो मुक्ति के काबिल बनता जा रहा है, क्योंकि अंदर गंदगी निकलती जा रही है। प्रौद्योगिकी पहला गुण, मेहनती उद्योगी, हां सहयोगी, दूसरे को हाथ बटाता है, कोऑपरेटिव है, उपयोगी, वेरी वेरी बेनिफिशियल टू अदर्स, बड़ा ही लाभकारी है दूसरों के लिए, बड़ी लाभकारी है, शाबाश। जहां ये 3 गुण जिस अंतःकरण में रहती है, रब्ती नांदी बुक्कली वो जंगल क्यों फिरे। गोसाई जी यूं कहती है, हमारे संत शिरोमणि जी, कि रब तो उनकी बुक्कल में, उनकी बगल में है, उनको धक्के खाने की जंगलों में खाक छानी क्या जरूरत है, रबती नांदी बुक्कली वो जंगल क्यों फिरे, क्या जरूरत उनको धक्के खाने की, शाबाश। वो अपने आप में मस्त रहे, अपने आप में शांत रहे, अपने आप में आनंदित रहे, बुला भी ताने मारता है, वो जंगलों में जो धक्के खाता फिरता है, तो जंगलों में तो पशु भी धक्के खाते हैं, उनको रब मिलता है पशुओं को, सारा दिन जंगलों में रहती है। अरे जंगल में रहने का मतलब ये गए कि एकांत में रहकर अब गुणों को निकालते हुए गुरु को ले लिया जाए। हाय गए हाय गए हाय गए। ये अगर मुसलमानों को कहते हैं कि अरे भाई तुम जो मस्जिद में बैठ कर ऊंची ऊंची बांगे देते हो, अल्लाह डोरा हो गया है, अल्लाह ऊंचा सुन उसके कान बहरी होगी है, मस्जिद में बैठ करके धीरे धीरे कह करके अपने को देखना चाहिए कि मेरे में अवगुण निकल रहे हैं कि नहीं, अल्लाह मियां से मैं प्रार्थना करूं कि मेरे में वो गुण आए जिससे कि मैं अपने मन को अल्लाह में तलीन करूं। बिकॉज तुम तो ऊंचा ऊंचा बोलती हो, ऊंचिया बांगा सोई दे दे नियत जिना दी खोटी, कि जिनकी नियत खोटी है तो ऊंचा बोलते, लोगों को पता लग जाए कि कोई अंदर बांग दे रहा है, कोई मुल्ला जी आए गए, बड़े अल्लाह के प्यारे गए, नियत तेरी खोटी है जो ऊंचा ऊंचा तो बोलता, बड़े तो धीरे से भगवान को अपने अंदर रिझा लेता है। मक्के देश वाल सोई जान दे घरों जिना दी टुट्टी, तो मक्के में जा करके जो तो हाजी बनता है तो अपने अंदर ही गोता मार करके तलीन हो जाता है, शाबाश। सजनो आप तो कल्याण कामी है, देवी आप तो अपना कल्याण चाहती, भगवान चुन चुन के आपको भेज रहा है यहाँ। वो तो हमने शास्त्र में पढ़ा है कि क्या बीली ने बेर चुने राम के लिए, लेकिन ये हम आंखों से देख ले, कृष्ण ने जीव चुने अपनी गीता सुनने के लिए, ये सामने मिले, ये भगवान कृष्ण ने जीव चुने। वो तो रामायण में पढ़ा है ना, बिल्ली ने बेर चुने राम के लिए और कृष्ण ने जीव चुने अपनी गीता सुनने के लिए। मैं तो नहीं गया, तो यहां से कोई आदमी तो नहीं गया, मेरे भगवान ने आपको दिव्य प्रेरणा दी है, आप कितने खुशी से प्रसन्नता से आ जाते हैं, ये भगवान की प्रेरणा खुद गीता में कहती है, दरअसल होती गए ये उन्हीं की दाद, उन्हीं की बख्शिश है। आप कल युग में है, काम में वास नहीं है, छुट्टी वाले दिन आज के लिए आपने कई काम पेंडिंग किए होते हैं, रविवार करेंगे वो फिर भी आप आज टाइम निकाल लेती है। और धर्मस्थान ये ऐसा नहीं है कि जो ऑन द वे है आपके घर के बाहर निकले और धर्मस्थान आ गया, आपको स्पेशल आना पड़ता है, इतना दूर आना पड़ता है, इतनी परीक्षा देनी पड़ती है आपको, ये भगवान की कृपा है, ये मेरे प्रभु की दया है, ये आपके इतनी रुचि बनी हुई है, कमान
देखिए कि आप कल्याण चाहते हैं, सत्संग का ठोस लाभ चाहती हैं, आप उद्योगी हैं, आप उपयोगी हैं, क्या आप उपयोगी हैं, सहयोगी हैं? तीनों गुण आप चमकने चाहिए। उद्योगी, अच्छा, सहयोगी दूसरे को हाथ बटाने वाला, और उपयोगी दूसरों के लिए बड़ा यूजफुल, दूसरों के लिए बहुत लाभकारी, मौज बहार। इसी को मेरे परमात्मा कहते हैं, सबकी भलाई में कहां रहे वही गए मेरा भक्त प्यारा। देखते रहिएगा, फिर अब गुण गए, फिर गए। जिसको दूध से प्यार है वो कभी शराब नहीं पिएगा, जिसे छाछ से प्यार है वो कभी आपके चाय नहीं पिएगा, है जिसे सोडा वाटर से प्यार है वो कोई और गड़बड़ चीज नहीं खाएगा, क्योंकि उनको वो अच्छी लगती है। जिसे सब्जी बड़ी अच्छी लगती है और जो है रोटी बड़ी अच्छी लगती है, वो कभी भी मांस अंडों की ओर ध्यान न देगा, छूट जाए उसको। जो शाकाहारी है वो मांसाहारी नहीं हो सकता, जो मांस आहारी है वो शाकाहारी नहीं हो सकता। हाय, जिसको अपने मालिक से रस मिल रहा है वो कभी भी संसारी बन के अवगुणों में धक्के नहीं खा सकता। बिकॉज माइंड टू दिस साइड और दैट साइड, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे विषय कमा। Mind is one, either to this side or to that. वारे कबीर साहब, वाह, मुबारक क्यों ना दूं आपको अपने रोम रोम से। अगर आपका मन उद्योगी बन रहा है, सहयोगी बन रहा है, उपयोगी बन रहा है और भगवान की ओर जुट गया है, लग गया है, प्रातः काल अगर आप उठने के आदि होते जा रहे हैं, देखो मैं क्या बोलते जा रहा हूँ प्रसंग के अनुसार, प्रातः काल आपका दिल करता है मैं उठ बैठू, अच्छा, फिर आप स्नान कर लेती है, अच्छा, फिर आप बैठ जाती है भगवान के चरणों में हाजिरी देने के लिए, आपके लबों पे भगवान का महामंत्र चल पड़ता है, अच्छा, क्या आप गीता जी का पाठ कर लेती है एक अध्याय रोज, अच्छा, क्या चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते आते जाते जो प्रत्येक प्रकार के दिन में छोटे बड़े काम करते हुए आप भगवान के मंत्र का जाप करते रहती है, अच्छा, आप अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा कहीं गरीबों में अधिकारियों में लगा देती है, अच्छा, अगर ये गुण है। एक और, क्या कभी कभी आप अपने अंदर भी देखते हैं कि मेरे में अवगुण क्या रह गए जिनको मैंने निकालना है? ये पांच गुण जिसमें आ जाती हैं, परमात्मा कहते हैं वो मेरे दीदार और मुक्ति के काबिल, उनके लिए मेरे भगवान गीता खोलो क्या कहती है, वही ब्रह्म का वस्त्र पाए ना, क्यों क्यों ना वो मेरे दीदार के काबिल हो जाए, क्यों ना मैं उसे आलिंगन करके अपना बना लूं। मगर वो जो पूजी बसित को यकीन, वो मुझमी गए, मैं हूं उनमें मकी, गीता किसने कमाल कर देती हूँ, हाँ, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले, मैं क्या हूं कौन हूं पहचान ले, वो मुझे पूर्ण रूप जान जाता है। जिसमें ये गुण बस गए, तो जो गुण तो आएगा ना, जब अब गुण निकल जाएंगे, हाँ, एक जाएगा तभी दूसरा कमरेट करेगा, दूसरा तभी तो आएगा ना गुण, अब गुण गए, गुण आए, गुनाए मन निर्मल हुआ, मन निर्मल हुआ एकाग्र, बस जीव तल्लीन। समझ लो मेरे से, जितने मेरे प्रभु ने मुझे समझाया है मेरे से समझ लो, फिर तो सरदार की भांति लगा के अपना लो, फिर तो लो कि आप मैंने अपना लेना, मैंने जीवन में ढाल के अपना कल्याण करना है। देवियों, पहली बार आपको गीता सुनने का अवसर मिला, मेरे में पूरा यकीन है आपके जीवन में पहली बार और लगातार और इतने लंबे समय के लिए गीता जी सुनने का मौका मिला है, तो मिला है तो फिर खसम ढा दो भगवान, अगर आपने चोटी की वाणी के शर्मन करने का समझने का हमें भी मौका दिया, हमें भी लानत अगर तेरी वाणी के साथ इंसाफ ना करे तो, अगर आप द्वारा सुनाए गई वाणी को अपने जीवन में ना ढाले तो लानत मारना हमें भगवान, शाबाश। ऐसे पक्के इरादे कर लो, भगवान ने कहा है इरादे का मजबूत दिल का, उनके इरादे मजबूत होती है, मन बड़ा मजबूत होता है, इतना अच्छा अवसर कहां मिलता है, बाकी सब चीजें मिल जाती है। मां मर जाए तो एक और मां भी बन जाती है, पिता मर जाए तो मैंने सुना है एक और पिता भी बन जाए, मां ने और शादी कर ली पिता बन गया, पति मर जाता है तो एक और पति मिल जाती है, अब वो भी आगे है, लड़का ना हो तो हम गोद में ले लेती है, ये सारे धन छिन जाए तो छोटा बड़ा भाई धन दे के कारोबार चला के फिर हमें लाखों में खिला देता है, ये सारी जान की चीजें मिल जाती है, नया बाप भी मिल जाता है, नई माँ भी मिल जाती है, नई कोई बहन भी बन जाती है, नया पति मिल जाता है, और पत्नी मर जाए तो कोई और दे देता है, वो साली आ जाती है पति बन के, साली अधी घर वाली तो वो बन जाती है घर में आके, ये सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन आए ये मौके, ये अगर चला जाए तो भगवान कहते हमेशा के लिए मौका गया।
क्योंकि ये मौका हो साधु नादर, ये कभी कभी मौका मिलता है अपने आप को बनाने के, डिग्री बनाने के, भगवान के, ये मौके कभी कभी गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में। ये मौके कहां मिला करती है यारो जिंदगी, ये जिंदगी में ऐसे मौके कहां, क्रिएटिव रचनात्मक मौके बेटी, रचनात्मक ये हमें बनाने वाले हैं, वो होते नेगेटिव वो तो मिलते रहती है, ये नहीं मिलते। पता नहीं कलयुग में इसका अकाल पड़ता जा रहा दिन ब दिन, वाणी का अकाल, भगवान की भक्ति का अकाल, एक अकाल अनाज का होता है, ये अकाल आजकल वाणी का पड़ रहा है। सच्ची भक्ति की नहीं रह रही आजकल, सच्ची वाणी नहीं रह रही आजकल, सच्चे रब के प्यारे नहीं रह रहे, इनका अकाल पड़ गया, भक्त का भक्ति का भगवंत का अकाल। ओए भक्त भक्ति भगवंत अकाल, वो दाता सोले कैद पड़ गया, किस चीज का कैद पड़ गया, भक्त का भक्ति का भगवंत का, भक्त का वो ध्रुव प्रहलाद कहां नजर आती है, वो विवेकानंद और रामकृष्ण जैसे हमें कहां दिखाई देती है, वो कबीर तुलसी और मीरा जैसे हमें कहां दिखाई देती है, अकाल पड़ गया। वो दिन रात भक्ति का माना हमें कहां नजर आती थी, आंख कहां लगती है, और भगवंत जो भगत को देखने के लिए तड़पते थे वो कहां है, ना भक्त रहे ना भक्ति रही ना भगवंत में वो तड़प रही, वरना भगवंत कहा करते थे कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं, आज वो नहीं है, फिर भी भगवान आपको मौका दे रहे हैं कि बनो बनो बनो, फिर भी ऐसे अकाल में भगवान आपको अवसर दे रही है कि तीनों को कमाओ, किस द्वारा, भगत भक्ति का सहारा लेकर के भगवंत की ओर बढ़ चले, भक्त भक्ति का सहारा लेकर भगवंत की ओर बढ़ जाए और अपना लोक बनाए अपना परलोक बनाए, तब हमारे प्रभु अपने श्रीमुख से बता रहे गए समझा रहे गए आहा कि ऐसा जीव मुक्ति के काबिल अंतःकरण निर्मल हो जाता है। 18वां अध्याय ऐसे ही गुण गाता है, वो जीव फिर छुट जाते हैं, जो नारो नारी के सवाली कोई नहीं, गृहस्थी विरक्ति नगरवासी और वनवासी का कोई प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न तो उठता है ऐसा अंतःकरण बना लीजिए, यूनिवर्सिटी जो किताबें मुकर्रर की है चाहे प्राइवेट बन के हाँ चाहे रेगुलर बन के और चाहे कई स्टूडेंट बन के, वो किताबें पढ़ लीजिए याद कर लीजिए और यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। इस तरह भगवान कहते हैं कोई भी क्यों ना हो अपने अंतःकरण को ऐसा बना ले, देन वी आर ऑल कैपेबल फॉर दैट मुक्ति, मसला तनासुक से फिर आप निकल जाती है, आग लगाओ अपने अंदर, अगर भगवान ने मौका दिया आप भी पूरा प्रलाभ उठाओ, उठा लो मेरी दीदी, कि मैंने इस मौके को नहीं जाने देना, कि मैंने इस मौके का लाभ उठाना 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 ही है, मेरे मालिक ने मौका दिया, मेरे प्रभु ने मौका दिया, मेरे सरताज और मेरे मन के राजा ने मौका दिया है, अरे दुनिया वाली जो गुनी बड़े खुश होते रहती है, मेरे पति देव ने मंजरी दे दिया है, मेरी इस पर खुश हो रही है कि मेरे पति ने ये परांदा भेजा है, काला रंग वाला सुअर जैसा ये परांदा आ गया, मेरे पति ने भेजा है, ये सुन सुन के हैरान होता हूँ, मेरे उन्होंने मुझे सूट भेजा है, देखनी एक सूट आया, हमें उससे कई गुना खुशी है कि हमारे भगवान ने हमें तारने के लिए हमें गीता दी है, हमें समझाने के लिए कोई भेजा है अपने चरणों का प्यारा, और हमें एकांत दिया है, हमें श्रद्धा दी है, और हमें समझने की विशेष अकल दी है। अगर दुनिया वाली छोटी बातों पर खुश होते मिलते हैं, मेरे पति ने ये भेजा, मेरे पति ने भेजा, मेरे लिए ये आया, मेरे लिए वो आया, ओए होए मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, उन्होंने ये चीजें भी दी, कोई मुझे दिखा रहा था, ये देखो जी मेरा वहां बेटा रहता है, ये भेजा। मैंने भी कहा अरे आपने आपने दिखा दी, मैं भी दिखाऊं, मेरे भगवान ने ये गीता दी है, मेरे मन में श्रद्धा दी है, मेरी बुद्धि दी है, हमारे भी देख रहे हो, खूब हंसा के आप अपने दिखाओ, हम अपने दिखाए, हमें भी तो तुम्हें शौक है तो हम भी दिखाते हैं, हमें एकांत दिया है, हमें मन के अंदर प्रेम दिया है, आपको भी तो गौरव होना चाहिए और इसका लाभ उठाते जाओ। दुनिया वालों को बहरी चीजें ले ले करके बड़ा शौक होता, आओ जी आओ मैं आपको मलक की प्लाट दिखाऊं, हमने प्लाट लिया है, दो मंजिला मकान बनाना है, वहां ऊपर मेरा लड़का रहेगा, नीचे हम रहेंगे, कितनी खुशी, अभी बनाया नहीं है, पता नहीं बनना है कि नहीं बनना, कितनी खुशी होती है, दिखाते भी थे प्लाट अपने, हम भी तो अपने लाट दिखाए, प्लाट नहीं लाट मेरे मुकद्दर, हम अपना मुकद्दर दिखाए कि भगवान ने हमें कितना अच्छा मौका दिया है, जिसके लिए खुद कहती है लाखों में होगा कोई खाल खाल, और जिसको फिक्रे असूले कमाल, खुद कहती है कलयुग में कोई होगा
जो भगवान के लिए तड़प पैदा करे, कल्याण के लिए तड़प पैदा करे और भगवान के लिए साधना करता हुआ निकल चले, ये कोई विरले होंगे नारी चोले में खासकर। आओ ना, जब भगवान ने ये सारे अवसर दिए हैं, अपनाने की कोई कसर ना छोड़ो। अगर कोई देखती है कि मेरे में कमी है तो भगवान से प्रार्थना करो, कमी भगवान दूर करने वाले, वो आपकी कमी पूरी करेंगे। जैसे तुम बड़ी शौक से जाती हो अपने भाई के पास, भैया आपके ब्याह जाने के बाद भी आप जाती हो, भैया हमारी बेटी बहन बोल क्या बात, मैं तेरी छोटी बहन, बोलो क्या बात, मुझे ये कमी है, कोई बात नहीं, चल मैं तेरे साथ कर तो पूरी कराता हूँ। कितनी शौक से भैया जाता है, इस तरह अपने भगवान को कहो ना, भगवान जी अगर मैं सच्चा हूँ, इरादे का पक्का हूँ तो मेरी ये कमी दूर कर दो वरना मुझे सजा दो। स्पष्ट कहा करो, अगर मैं इरादे का सच्चा भक्ति, इरादे का पक्का और भक्ति में सच्चा हूँ तो मेरी मदद कीजिए वरना मुझे सजा दीजिए। कृपा से कहो भगवान खुश हो जाएंगे, चूंकि आप सच्ची हैं, इरादे के पक्के हैं। कहा करो, मेरे भगवान को ये कह के खुश किया है, अगर मैं इरादे का सच्चा और भक्ति में, इरादे का पक्का भक्ति में सच्चा हूं तो मेरी मदद कीजिए नहीं तो मुझे सजा दीजिए। जहो नेक रास्ता बता दीजिए, मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पे चला दी, भगवान मदद करेंगे आपकी। प्रभु मेरे प्रभु बड़ी सहायता करेंगे, श्याम सुंदर है सवेरे कीर्तन चला करता है, श्याम सुंदर दया के समुंदर है, वो दया की नदी नहीं, दया के तालाब नहीं है, वो दया के सागर है। भगवान करे, कृष्णदेव करें, जिन्हें हमें यह अच्छा अच्छा अवसर दिया है, हम उसका लाभ उठाते हुए अंतःकरण की सफाई करते जाए, अंतःकरण को मुक्ति के काबल बनाते जाए। इस बड़ा विचित्र संसार, दुखों से भरा हुआ संसार, मुथारियों से भरा हुआ संसार, इसमें लौट के ना आए, इसमें ना आए, ये अच्छा नहीं। जैसे जेल में कोई कैदी लौट के नहीं जाना चाहता, तो गंदी बात, जेल अच्छी नहीं होती। इस संसार भी तो जेल है, वासनाओं की, कामनाओं की, इच्छाओं की, राग की, द्वेष की, बीमारियों की, आदि की, व्याधि की, उपाधि की, ये जेल ही तो है, ये कारागार तो है। इसे छूटना चाहते गए तो भगवान जी के अनुसार जुट जाओ, लग जाओ, महाराज जी के अनुसार जुट जाओ, लग जाओ। महाराज जी के अनुसार, अच्छा जी, किसी को सजा होगी जेल के अंदर? आखिर मैं कहना चाहता हूँ और चुप हो जाऊंगा, क्या किसी को सजा हो गई, जेल में चला गया, हाँ अब मुकदमा चलेगा, चलने दो। अब कोई जाता है, महाराज इसको आप छोड़ दीजिए, छोड़ कैसे दे, कारागार से निकाल दीजिए, कैसे, मुकदमा चलेगा बाद में, जैसा होगा जज जो फैसला कर देगा, लेकिन आपको 1,00,000 रुपए की जमानत देनी पड़ेगी। मैं 2,00,000 की जमानत देने को तैयार हूं। है हाँ, ये मेरे मकान की रजिस्ट्री जो 5-6 लाख का नया बना है आप रख लीजिए, बस 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 बस। फौरन जज ऑर्डर दे देता है कि जब तक इसका पक्का फैसला नहीं होता इसको रहा कर दिया जाए। अब वासनाओं के हम गुलाम, कामनाओं के हम गुलाम, नाना प्रकार की गंदी वृत्तियों के गुलाम, अब हम अभ्यास करना चाहती हैं, जुट भी गए हैं महाराज जी के अनुसार, हम लग रहे हैं, जुट रही हैं, इनको निकालने की कोशिश कर रही हैं, तो हाँ अब हम आजाद होना चाहती हैं, तो फिर अब आप आजादी से इन गंदी वृत्तियों से निकलना चाहती हैं, तो मेरे जुट रही हैं, इनको निकालने की कोशिश कर रही हैं, तो हाँ अब आप आजाद होना चाहती हैं, तो फिर अब आप आजादी से इन गंदी वृत्तियों से निकलना चाहती हैं, मेरे जैसे आपकी जमानत दे देती है। ओ मेरे दातिया, ओ मेरे मालिका, उनको जरा छोड़ दो, और ये और तप करेंगे और जप करेंगे और भजन करेंगे, तेरे दीदार के काबिल हो जाएंगे। हाँ मेरे मालिक, तो हमारे जैसे आपकी जमानत देने आते हैं। जो कि जज के साथ जमानत वो देगा जो जिसको जज भली प्रकार जानता है, जज जमानत भी सीख लेगा, भगवान जमानत भी उसकी लेती है जिस भगत को भली प्रकार जानती है, कि वो जमानत नहीं लेते। और दोस्तों मेरी बेटियों, मैं आपकी जमानत दे रहा हूं, आपको इन बेटियों से अलग कर रहा हूं, आगे आप अभ्यास करो, जुटो, जब तारीख पड़ती है तो वो जाते हैं फटाफट, मेरी जमानत भी की, जब आप तारीख पड़े तो वक्त प्रातःकाल होता है 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे का, उठो अपना भजन करो, दिन भर में भगवान का जाप करो और जो गंदी वृत्तियां उसको निकालो अपने अंदर से, ताकि मेरी जमानत को कलंक ना लगे, मेरी जमानत को 4 चांद लगे। वास्ता है आपको मेरी जमानत का, वास्ता है आपको अपने कल्याण का, और वास्ता है आपको इस सत्संग और गीता का।
हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।